ज्वालामुखी में रहने वाले 10 सबसे विचित्र जानवर टॉप 10 मोस्ट अनयूजुअल एनिमल्स लिविंग इन वोल्केनोस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप 10 हिंदी की एक और बेहद अविश्वसनीय वीडियो में। दुनिया की सबसे खतरनाक चीजों में से एक होते हैं ज्वालामुखी, और वो इसलिए क्योंकि यदि एक ज्वालामुखी के लावा के चपेट में कोई भी आ जाता है तो उसका बचना लगभग नामुमकिन होता है। अब ज्वालामुखी जैसी खतरनाक जगह पर शायद ही कोई जीवित रह सकता है, लेकिन आपको बता दें कि आश्चर्य की बात तो ये है कि ऐसे स्थान पर भी कई प्रकार के जानवर पाए जाते हैं और वो वहाँ के वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे विचित्र जानवरों के बारे में बताएंगे जो कि ज्वालामुखियों में रहते हैं। 10. ब्लैक ड्रैगन फिश। चलिए शुरू करते हैं ऐसी मछली से जिसे देख कर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ज्वालामुखी में रहने वाली इस विचित्र मछली का नाम है ब्लैक ड्रैगन फिश। ये सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि असल में भी काफी खतरनाक है। इसके पीछे का कारण है इसके नोकीले दांत। इसका हर एक दांत किसी तेज धार वाले चाकू से कम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसके जबड़े में आने के बाद कोई भी चीज सुरक्षित रूप से बाहर जा सकेगी। आपको बता दें कि ये नई खोजी गई मछली ज्वालामुखी की अत्यधिक गर्मी को भी सहन कर सकती है। इसके बारे में एक चीज जो काफी अच्छी है वो है इसका छोटा आकार, क्योंकि इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं करेगा कि अगर ये मछली काफी बड़ी होती तो ये किसी के लिए भी खतरा बन सकती थी। इनके बारे में एक खास चीज ये भी है कि एक मछली से ज्यादा एक ईल की तरह दिखाई देती है। 9. ज्वालामुखी झिंगूर। अगर हम किसी एक जानवर की बात करना चाहें जो कि सबसे दुर्गम स्थान पर रहता है और हम उसके बारे में बहुत कम जानते हैं, तो वो होगा ज्वालामुखी झिंगूर। मजे की बात तो ये है कि ये वही कीड़े जो रात में अजीब सी आवाज निकालने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ज्वालामुखी में रहने वाले ये झिंगूर थोड़े से अलग हैं। किलाउया नाम का ज्वालामुखी जो कि काफी समय से इरप्ट हो रहा है, वो काफी तेजी से लावा को बहा रहा है जिसकी चपेट में सड़कें, लोग, जानवर और यहाँ तक कि बिल्डिंग्स आ रही हैं। लेकिन इस सब के बाद जो हमारे सामने नई जानवर की प्रजाति निकल कर आई है वो है ज्वालामुखी झिंगूर। अब यह खास इसलिए है क्योंकि जिस वातावरण में ये रहते हैं वहाँ शायद ही कोई साधारण जानवर रुक भी पाएगा। 8. लाउही श्रिम्प। आपको बता दें कि ज्वालामुखी केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि पानी के अंदर भी पाए जाते हैं। अब खास बात यह है कि समुद्री ज्वालामुखी जब इरप्ट होते हैं तो वो उस क्षेत्र के पानी में कुछ ऐसे बदलाव लाते हैं जिसको आम जीव सहन नहीं कर पाते। लाउही वैज्ञानिकों के ज्वालामुखी पर शोध करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रही है। इसके साथ ही यहाँ पर कई सारी खोजें भी की गई हैं, जिनमें से कई ऐसे जीव सामने आए हैं जो कि ज्वालामुखी में खुद को जिंदा रख पाते हैं। जहाँ कई समुद्री जीव ज्वालामुखी के संपर्क में आकर अपना जीवन खोने लगते हैं, वहीं लाउही श्रिम्प नाम के जीव आसानी से रह पाते हैं। आपको बता दें कि ज्वालामुखी में रहना जो कि पानी के अंदर होता है काफी मुश्किल चीज है, क्योंकि वहाँ की केमिकल्स और गैसेस पानी को खतरनाक भी बना सकती हैं, लेकिन फिर भी ये जीव ऐसे स्थिति में जीवित रह पाते हैं। 7. कीवा केकड़े। क्या आपने किसी ऐसे केकड़े के बारे में सुना है जो कि एक केकड़े से ज्यादा एक मकड़ी की तरह दिखता है? ऐसा ही एक केकड़ा है जिसे कीवा क्रैब के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया में केकड़ों की सबसे दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। ये यति क्रैब फैमिली के सबसे नए मेंबर माने जाते हैं। इनका आकार 1 इंच से आधे फुट तक हो सकता है। हैरानी की बात तो ये है कि आखिर इन्हें खोजा कैसे गया होगा, क्योंकि ये वहीं पर रह सकते हैं जहां ज्वालामुखी गतिविधियां होती हैं, बल्कि जहां पर ज्वालामुखी से कोई संपर्क नहीं रहता वहां ये नहीं रह सकते। कीवा केकड़े हाइड्रोथर्मल वेंट्स में पाए गए थे जिन्होंने सभी को हैरान कर दिया। ये केकड़े 700 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान को झेलने की क्षमता रखते हैं जहां एक आम इंसान पहुंच भी नहीं सकता। 6. थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। एक चीज जो मेरे आसपास भी है और आपके आसपास भी, वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया लगभग हर जगह है। ये माना जाता है कि अधिक तापमान से बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, इसलिए ही शायद हमसे गर्म पानी से हाथ धोने के लिए कहा जाता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यही बैक्टीरिया ज्वालामुखी जैसी गर्म जगह पर भी पाए जाते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है और इसके पीछे का कारण भी काफी लॉजिकल है। अब ये तो सभी को पता है कि अरबों साल पहले पृथ्वी पर केवल बैक्टीरिया जैसे जीव ही होते थे, और तभी से बैक्टीरिया ने अपने आप को अलग अलग वातावरण में ढालना शुरू कर दिया था, जिसमें से एक स्थान ज्वालामुखी भी था। इसके चलते ही पानी के नीचे या फिर जमीन पर मौजूद ज्वालामुखियों में भी इन्होंने अपना जीवन संभव कर लिया। 5. ब्लिंक स्क्वॉट लॉबस्टर। अब जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये कितनी विचित्र और अनोखी जीव प्रजाति है। एक लॉबस्टर के बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा, और खासकर एक ब्लिंक स्क्वॉट लॉबस्टर के बारे में। ये एक मकड़ी या फिर बिच्छू जैसे दिखाई देते हैं, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये जीव काफी आकार में छोटे होने के कारण आसानी से अपने शिकारियों से बच पाते हैं, और इनके शरीर की अद्भुत क्षमता इन्हें ज्वालामुखी जैसे खराब वातावरण में भी रहना संभव कराती है। ये समुद्री सतह के काफी पास रहते हैं और पानी के काफी अंदर रहते हैं, जिससे कई जीव इन्हें ढूंढ भी नहीं पाते। अगर कोई इन तक पहुंच भी जाता है तो ये उससे निपटने में सक्षम रहते हैं और किसी भी हालत में सर्वाइव कर पाते हैं। ज्वालामुखी में रहने वाले जीवों में ये सबसे विचित्र जीवों में से एक है। 4. डीप सी वेंट बार्निकल्स।
ये ज्वालामुखी में रहने वाले उन जीवों में से एक है जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। ये जीव काफी ज्यादा विचित्र है, जैसा कि इन्हें देखकर ही समझ आ जाता है। आपको बता दें, मछुआरों के लिए या फिर पानी से यात्रा करने वालों के लिए ये जीव बहुत बड़ी समस्या बन जाते हैं, क्योंकि ये जहाज, नाव, जानवर, यहाँ तक कि इंसानों के शरीर पर भी चिपक जाते हैं और फिर इन्हें निकालना काफी मुश्किल होता है। अब आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि ये किसी भी चीज पर आखिर चिपक कैसे जाते हैं, तो इसका जवाब है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लू उत्पन्न करते हैं जो कि इन्हें किसी भी चीज पर चिपका सकता है। वैज्ञानिक भी इसका इस्तेमाल करने के लिए कई शोध कर रहे हैं और जो चीज इन्हें इस सूची में जोड़ती है वो है इनका किसी भी वातावरण में जीवित रहना, यहाँ तक ज्वालामुखियों में भी। 3. टंग फिश। आज तक आपने कई प्रकार की मछलियों के बारे में सुना होगा, लेकिन शायद ही आपने टंग फिश नाम की किसी मछली के बारे में सुना होगा। ये दुनिया की सबसे अनोखी मछलियों में से एक है। इन मछलियों को वेंटल हैबिटेट में देखा जा सकता है। इन छोटी सी मछलियों के बारे में जानने के लिए वैज्ञानिक भी काफी उत्सुक हैं। ये अपने वातावरण में काफी अच्छे से ढल चुकी हैं और उसमें अपने आप को सुरक्षित भी रख सकती हैं। हालांकि ये वैज्ञानिकों को केवल थर्मल वेंट्स के पास ही मिली हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वो और भी कई जगहों पर मौजूद हैं। इनका चिकना शरीर देखने में काफी अद्भुत लगता है, जो इन्हें काफी आकर्षक बनाता है। ये मछली ज्वालामुखी जैसे खतरों से भरी जगह पर भी जीवित रहने में सक्षम है। 2. ज़ोरसिड फिश। मछलियां जहां एक साफ पानी की नदी या समुद्र में रहना पसंद करती हैं, वहीं ज़ोरसिड मछली जहरीले हाइड्रोथर्मल वेंट्स में अपना बसेरा ढूंढती हैं। इस मछली के बारे में वैज्ञानिकों के पास काफी कम जानकारी ही है, जो कि शायद इसे अच्छी तरह से समझने के लिए काफी नहीं है। ये मछलियां 7000 फीट तक की गहराई में पाई जाती हैं। कमाल की बात तो ये है कि ये मछलियां लाखों सालों से अस्तित्व में हैं, लेकिन इसके बारे में हमें केवल 34 साल पहले ही पता चला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा असहनीय वातावरण में रहती हैं और ये समुद्र की काफी अधिक गहराई में पाई जाती हैं। ये समुद्र के अंदर मौजूद ज्वालामुखी और पहाड़ों के वेंट्स में पाई जाती हैं, जो कि आज से करोड़ों साल पहले बने थे, जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई थी। इन मछलियों का अस्तित्व सभी को काफी हैरान कर देता है। 1. डीप सी वेंट ऑक्टोपस। अब तक मैंने जितने भी जीवों के बारे में बताया उन सभी के बारे में काफी कम जानकारी ही मौजूद है, और जो उनमें से सबसे विचित्र और अनोखा है वो है डीप सी वेंट ऑक्टोपस, जो कि काफी गहरे पानी में पाया जाता है। आपको बता दें, ये ऑक्टोपस इसकी ट्रांसल्यूसेंट बॉडी के कारण जाने जाते हैं, जिसका इस्तेमाल ये उस स्थान के वातावरण में छिपने के लिए भी करते हैं। ऐसा ही एक ऑक्टोपस समुद्री सतह से 2394 फीट नीचे नजर आया, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसकी ट्रांसल्यूसेंट बॉडी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसके बारे में कई और चीजें हैं जो अभी तक हमें नहीं पता। ये ज्वालामुखी में रहने वाले सबसे विचित्र जानवरों में से एक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और आप अगली वीडियो किस विषय पर चाहते हैं वो भी हमसे शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो रोचक लगी हो और पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों और संबंधियों से शेयर भी करें। फिर मुलाकात होगी आपसे एक ऐसे ही अनोखी वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए टॉप 10 हिंदी।